हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम आपको पता है, जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हो, जिसके अंदर आपकी किडनी, दो यूरेटर, यूरिथ्रा और आपका यूरिनरी ब्लैडर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर किडनी की जो आउटर स्ट्रक्चर है और जो ग्रोस स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कुछ पोर्शन है हमारा जो रहता है, पिछले वीडियो के अंदर हमने रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में स्टडी किया था। रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला आपके जो हैं वो देखिए आपने पढ़ लिए हैं कि ये क्या होते हैं आपके, कैसा इनका कलर होता है। उसके बाद आज हम जो चीज़ शुरू करेंगे वो मेडुला के अंदर से ही शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपकी ये टर्म्स लिखी गई हैं, पेपिला, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और आपका ये पेल्विस, ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम यही सब पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि आपका जो मेडुलर रीजन है उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है इनका नाम बोला गया है पिरामिड्स। ठीक है, इनको क्या बोला है, देखिए मेडुला के अंदर आपको यहाँ पे भी लिख के बताया गया है कि ये चीज़ें हैं जो ये क्या है, ये पिरामिड्स हैं। तो इनके बारे में अब हम थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको स्टडी करते हैं। देखिए, जो आपके पिरामिड्स हैं इनके शेप से शुरू करते हैं कि ये कैसी शेप के आपके पाए जाएंगे। तो ये आपके कॉनिकल शेप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एज एग्जांपल ये बताया है कि ये क्या है, मेडुलर रीजन के अंदर क्या है, ये आपके पिरामिड्स हैं। तो देखिए, ये जो पिरामिड्स हैं आपके, ये पार्ट तो होते हैं रीनल कॉर्टेक्स रीजन के, लेकिन ये पेनिट्रेट कर जाते हैं रीनल मेडुला के अंदर। ठीक है, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो एराइज है ये कहाँ से होंगे, रीनल कॉर्टेक्स से, और इनका जो एंडिंग पॉइंट रहेगा वो मेडुला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, जो आपका पिरामिड है उनका जो बेस रहेगा और जो अपेक्स रहता है वो कैसा रहता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको बताई है ये क्या है, पिरामिड का बेस है, और जो ये पॉइंटेड एंड आपको दिखाया गया है ये क्या है, अपेक्स है। तो ये इस तरीके का आपका एक पिरामिड दिखता है आपको। तो जो बेस रहेगा पिरामिड का वो थोड़ा ब्रॉड रहता है, जो ये चीज़ आपको दिखाई गई ये क्या है, ब्रॉड जो इसका बेस आपको दिखाया गया है, और बेस आपका कॉन्टैक्ट में होता है कॉर्टेक्स के साथ। देखिए, अगर इसी चीज़ को आप डायग्राम में बुक के अंदर देखना चाहते हैं तो देखिए क्या ये क्या है, आपका बेस रहेगा पिरामिड्स का। ठीक है, और ये किसके कॉन्टैक्ट में होता है आपका, ये कॉर्टेक्स के कॉन्टैक्ट में होगा आपका। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन देखिए ये होता है आपका। तो कॉर्टेक्स रीजन के कॉन्टैक्ट में क्या रहता है, बेस रहता है पिरामिड्स का, और जो अपेक्स रीजन है इसको क्या बोला है आपने, अपेक्स रीजन बोला है, ये आपका कहाँ पे होगा, मेडुला रीजन के अंदर होगा। ठीक है, तो जो बेस रहेगा वो पिरामिड्स का ब्रॉड रहेगा, और जो अपेक्स है वो आपका किसके कॉन्टैक्ट में होगा, मेडुला के कॉन्टैक्ट में होगा। तो देखिए, जो अपेक्स है पिरामिड का वो आपका किसकी फॉर्म ले लेगा, आपका माइनर कैलिक्स की फॉर्म में ये आपका आगे जाके बन जाएगा। तो माइनर कैलिक्स क्या होगा उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए चीज़, जो आपके पिरामिड होंगे किडनीज के अंदर वो नंबर में कितने होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जाती है। तो ईच किडनी के अंदर, आपकी किडनी दो होती है बॉडी में, तो एक किडनी के अंदर ये 10 से 15 आपको देखने को मिल सकते हैं, और दोनों में मिला के आप देख लीजिए, डबल कर लीजिए, 10 का डबल करोगे तो 20 और 15 का डबल करोगे तो 30। तो दोनों किडनी में अगर इनकी वैल्यू पूछी जाए तो 20 से 35 आपको ये देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हर बुक में इनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी वेरी करती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो पिरामिड्स क्या हैं आपके, पिरामिड्स क्या हैं, कॉनिकल शेप के ऐसे ये चीज़ हैं जो रीनल कॉर्टेक्स से शुरू होती है और पेनिट्रेट होती है मेडुला के अंदर। इसके दो पार्ट हैं, एक बेस और एक अपेक्स। बेस जो रीजन है वो आपका ब्रॉड है, और जो अपेक्स है वो थोड़ा पॉइंटेड एंड है, और अपेक्स रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेपिलास देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन पेपिलास के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट बताया गया है किडनी के अंदर, वो डिस्कस किया गया है हाइलम और हाइलस के बारे में। अगर आपने ये नाम सुना है हाइलम और हाइलस, देखिए ये किस रीजन को बताया गया है, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट प्रेजेंट इन द मीडियन मार्जिन ऑफ ईच किडनी। ठीक है, मीडियन मार्जिन इसको बोला गया है। तो देखिए, जो हाइलस आपका रहेगा वो कौन सा पोर्शन रहेगा, किडनी का जो ये पोर्शन है आपका। ठीक है, ये पोर्शन जहाँ से आपकी आर्टरी, वेन या नर्व यहाँ पे एंटर करेंगे किडनी के अंदर, उस पोर्शन को आप क्या बोलते हो, हाइलम बोलते हो। ठीक है, ये जो पोर्शन है जिसके थ्रू आपकी आर्टरी, वेन या नर्व या फिर आपकी लिम्फ नोड एंटर करती है किडनी के अंदर, उस रीजन को क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। तो देखिए, यही इसके अंदर यहाँ पे लिख रखा है,
फाइलम रहेगा आपका, इट इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर रीनल ब्लड वेसल्स यूरेटर नर्व एंटर और लीव द किडनी। ठीक है, यही मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि हाइलम वो रीजन रहेगा जहाँ से, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया हाइलस वो रीजन है जहाँ से आपकी आर्टरी वेन यूरेटर्स किडनी के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहीं से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन आपका रहेगा जहाँ से, देखिए ये यूरेटर निकलता हुआ दिखा रखा है आपका, रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे, हाइलम या हाइलस बोलोगे। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा पैपिला के बारे में। ठीक है, पैपिला हमने देखे थे कहाँ थे आपके, पिरामिड्स के बेस के ऊपर आपको ये देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो जो पैपिलाज रहेंगी वो निपल लाइक स्ट्रक्चर रहेगी। देखिए पैपिला क्या है, आपके जो अपेक्स रीजन ऑफ पिरामिड पे आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे, पैपिलाज बोलोगे। तो पैपिला की जो स्ट्रक्चर रहेगी वो निपल स्मॉल देखने को मिलेगी। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, अपेक्स ऑफ पिरामिड को आपको जो नाम है वो दे सकते हो क्या, पेपिला। ठीक है, ईच पेपिला हैव अ डक्ट, हर पेपिला की एक खुद की डक्ट होती है जिसको आप क्या बोलोगे, पेपिलरी डक्ट बोलोगे। ये जो पेपिलाज हैं इनका जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ये कलेक्ट करते हैं यूरिन को फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अगर आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपको पता होगा कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ पेपिला की ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या होती है, जहाँ से आपके ये जो पेपिलाज हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किसको, यूरिन को। अब यूरिन की प्रोडक्शन आपको पता है किडनी का काम होता है, तो उस यूरिन को ये रिसीव करते हैं कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से। देखिए ये डायग्राम है आपके नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन के बारे में आपने +1 +2 के अंदर पढ़ा होगा। देखिए ये इसका ग्लोमेरुलस रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर से आपका ब्लड आएगा। ठीक है, इस पोर्शन को आप PCT बोलते हो, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका जो रहेगा लूप ऑफ हेनरी रहेगा, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और फिर आपकी क्या आ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, तो जो यूरिन है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट आपकी यहाँ से होगी, ब्लड यहाँ से फिल्टर होता हुआ ऐसे PCT से लूप ऑफ हेनले में, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ठीक है, ऐसे ही यूरिन का फ्लो रहता है आपका। तो इस कलेक्टिंग डक्ट से जो आपका यूरिन है उसको रिसीव कौन करते हैं, आपके जो पिरामिड्स है उसका जो अपेक्स पोर्शन है वहाँ पे जो आपके पेपिलेज हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से यूरिन को रिसीव करते हैं। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखिए क्या मैंने अभी आपको बताया है कि ये क्या है, आपके पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स का जो अपेक्स रीजन है यानी ये जो एंडिंग पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोलोगे आप इसको, पेपिला। ये पेपिला क्या करते हैं, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन रहेगा, इसीलिए पेपिलास को पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपकी बनेगी या जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है माइनर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स अब क्या होगा, ये नंबर में आपके 7 से 13 होंगे। ये ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं पेपिला को। ठीक है, इसको शॉर्ट डायग्राम में आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पिरामिड था, ठीक है, पिरामिड का पॉइंटेड एंड या फिर अपेक्स रीजन था उसको हमने क्या बोला, पेपिला बोला, और पेपिला को जो चारों तरफ से घेर के रखे उसको आप क्या बोलोगे, माइनर कैलिक्स बोलोगे। समझने के लिए आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, बुक के अंदर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि माइनर कैलिक्स आपकी क्या चीज़ है। देखिए माइनर कैलिक्स यहाँ पे आपको नाम बताया गया है, माइनर कैलिक्स क्या है, देखिए ये सराउंड कर रहे हैं आपके पेपिलरी रीजन को। ठीक है, यहाँ से भी सराउंड हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो ये आपका जो पोर्शन है, ठीक है, वाइट वाइट कलर का आपको ये जो पोर्शन देखने को मिल रहा है ये क्या है, आपके माइनर कैलिक्स हैं। ठीक है, तो अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये सराउंड करके रखते हैं पेपिला को। 3 से 4 माइनर कैलिक्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन कर ले हैं, मेजर कैलिक्स की। ठीक है, ये भी चीज़ आपकी यहाँ पे दिखाई गई है, देखिए 1 2 3, ये 3 माइनर कैलिक्स मिलके आपके एक ये बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसको आप क्या बोलोगे, मेजर कैलिक्स बोलोगे। ऐसे ही यहाँ पे है, ये छोटे छोटे कैलिक्स मिलके आपके क्या कर रहे हैं, मेजर कैलिक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, मेजर कैलिक्स का पोर्शन हो जाएगा, और ये जो है आपका ये शॉर्ट शॉर्ट ये माइनर कैलिक्स हो जाएंगे। तो हमने माइनर और मेजर कैलिक्स को भी समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाएंगे, आपके मेजर कैलिक्स की फॉर्मेशन। अब देखिए इन पिरामिड्स के बीच में आपको कुछ स्पेस देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ये स्पेस यहाँ जो विजिबल है, तो स्पेस बिटवीन द पिरामिड इज कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ बर्टिन। ठीक है, एक ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पिरामिड्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलोगे, कॉलम्स ऑफ बर्टिन बोलोगे। 3 से 4 माइनर कैलिक्स मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मेजर
कैलिक्स की फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है आपका कि पेसमेकर फॉर पेरिस्टेल्सिस मोमेंट ऑफ यूरिन इज प्रेजेंट इन द माइनर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स अभी हमने पढ़ा क्या है, पेपिला को जो सराउंड करके रखे है चीज, वो क्या है आपकी माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स ही वो साइट या वो प्लेस है जहाँ से क्या होती है आपकी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट शुरू होती है यूरिन की, यानी जो यूरिन है वो आपका ऐसी पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के बारे में आपने सुना है जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी चलती है, जो फूड को क्या करती है जिग जैग मोशन में स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देती है, वैसे ही यहाँ पे है यूरिन आपका क्या करता है, पहले नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट में आया, उसके बाद पेपिला ने उसको रिसीव किया, पेपिला के बाद माइनर कैलिक्स रिसीव करेगा, तो माइनर कैलिक्स से पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट शुरू होती है, यानी ऐसी मूवमेंट जो क्या करें यूरिन को नीचे की तरफ भेजने का काम करेंगी। ठीक है, तो उनके लिए जो पेस मेकर है आप जिसको बोल सकते हो यानी कॉन्ट्रेक्शंस जो आने शुरू होंगी वो कहाँ से होंगी, माइनर कैलिक्स से होंगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेजर कैलिक्स के बारे में, मेजर जो कैलिक्स रहेंगे वो 3 से 4 रहेंगे नंबर के अंदर। ठीक है, और जो माइनर कैलिक्स है वो एक किडनी के अंदर 7 से 13 रह सकते हैं। ठीक है, और ये आपके 3 से 4 होंगे, ये क्या करते हैं रिसीव करते हैं यूरिन को फ्रॉम द माइनर कैलिक्स। ये तुम्हें पता ही है कि माइनर कैलिक्स अभी हमने पढ़ा वो मिलके आपके क्या करते हैं मेजर कैलिक्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये रिसीव करेंगे कहाँ से, माइनर से। उसके बाद एक चीज और आपकी रहेगी, वो रहेगी रीनल पेल्विस। ठीक है, अब रीनल पेल्विस कौन सी स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे बोलोगे, तो देखिए जो रीनल पेल्विस है ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा पेल्विस का। ठीक है, तो ये जो पोर्शन अब यहाँ पे बन गया एक बोनी सा स्ट्रक्चर टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपके सारे मेजर कैलिक्स आके मिलेंगे उस साइड को आप क्या बोलोगे, रीनल पेल्विस बोलोगे। और रीनल पेल्विस आपका आगे कंटिन्यू हो रहा है किसके अंदर, यूरेटर के अंदर। तो अगर आपको इसकी एनाटॉमी समझ आ गई है तो आप जो यूरिन की मूवमेंट है वो भी अच्छे से समझ पाओगे। तो रीनल पेल्विस के अंदर देखिए क्या आपको बताया गया है कि रीनल पेल्विस फनल शेप की स्ट्रक्चर होती है जो रिसीव करती है यूरिन को कहाँ से, मेजर कैलिक्स से। ठीक है, ये भी आपको पता है, इट हैव द स्मूथ मसल। और जो आपका ये रीनल पेल्विस है यहाँ पे कैसी मसल पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। और किस तरह का एपिथेलियम टिश्यू मिलता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू मिलता है। अगर आपने एपिथेलियम वीडियो मतलब टिश्यू से रिलेटिव वीडियो देखनी है तो वो मैंने बना रखी है, वहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कैसा है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए सम अप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, पिरामिड्स को पढ़ा। ठीक है, पिरामिड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा आपके, पिरामिड्स का बेस पार्ट पढ़ा, अपेक्स पार्ट पढ़ा, अपेक्स पार्ट को हमने क्या बोला पेपिला बोला, पेपिला को जो सराउंड करे उसको हमने क्या बोला माइनर कैलिक्स बोला, माइनर कैलिक्स मिलके जो चीज़ बनाते हैं उसको हमने मेजर कैलिक्स बोला, मेजर कैलिक्स जिस चीज़ में ओपन हो रहा है उसको हमने पेल्विस बोला, और पेल्विस जिस चीज़ में ओपन होगा वो क्या रहेंगे हमारे यूरेटर्स रहेंगे। ठीक है, रीनल पेल्विस की हमने शेप पढ़ी कि ये फनल शेप का होता है। ठीक है, और ये रिसीव करता है यूरिन को मेजर कैलिक्स से, स्मूथ मसल इसके अंदर होती है और ट्रांजिशनल एपिथीलियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको ये एनाटॉमी समझ आ गई है तो आप ये जो मोमेंट यहाँ पे लिख रखी है यूरिन की वो आप समझ जाओगे। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जो आपको पता है कि ग्लोमेरुलस कैप्सूल से आपका ये पीसीटी में, फिर लोप ऑफ हैनले में, फिर डीसीटी में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ठीक है, ये तो इसकी मूवमेंट है, ऐसी ही वो ट्यूब डिज़ाइन है आपकी। उसके बाद पिरामिड्स में आएगा, पिरामिड्स का जो लास्ट पोर्शन है पेपिला वहाँ पे आएगा, पेपिला से रिसीव कौन करेगा आपका माइनर कैलिक्स करेगा, माइनर कैलिक्स के बाद वो मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर वो रीनल पेल्विस में जाता है। आपकी यूरिन की मूवमेंट आपको बता रखी है कैसे कैसे ये आपका यूरिन फ्लो कर रहा है, और फिर रीनल पेल्विस से होता हुआ वो आपके यूरेटर्स में जाएगा। यूरेटर्स आपको पता है लॉन्ग ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो सीधी आपकी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके ओपन होती हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा फिर आपका यूरिन, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से होते हुए आपका वो बॉडी से क्या हो जाएगा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये है आपकी यूरिन की मूवमेंट यहाँ पे। अगर आपको एनाटॉमी इनके बारे में पता चल गया ये कैसे कैसे चीज़ें हैं, सारी ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बहुत इजी ये चीज़ है आपकी। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो आपकी किडनी है उसको ब्लड सर्कुलेशन कैसे मिलता है, यानी कौन सी आर्टरी से उसको ब्लड सप्लाई मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये जो एनाटॉमी का पोर्शन है वो समझ आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।